छात्र की काबिलियत एक भाषा की मोहताज होती है, यह तब मालूम हुआ जब एक छात्र को साक्षात्कार से यह कहकर छाड़ दिया गया कि उसे अंग्रेजी बोलनी नहीं आती। एक तरफ जहां सरकार हिंदी भाषा को प्रोत्साहन दे रही है, कई प्रयास कर रही है, वहीं कुछ विश्वविद्यालय ऐसे हैं जहां भाषा के माध्यम से छात्रों में भेदभाव किया जा रहा है। ताज़ा मामला काशी हिंदू विश्वविद्यालय का है, जहां 3 जनवरी 2020 को एक छात्र कर्ण कुमार द्वारा सहायक प्रोफेसर का साक्षात्कार देने पर उन्हें यह कहकर नियुक्त करने से मना कर दिया गया क्योंकि उन्हें अंग्रेजी भाषा की जानकारी नहीं थी, जिसके बाद कर्ण कुमार लगातार राजभाषा हिंदी की उपेक्षा एवं अपमान करने के लिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति का विरोध कर रहे हैं। आपको बता दें कि कर्ण कुमार के साथ साथ BHU, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ एवं संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा लगातार BHU के कुलपति पर नियुक्ति प्रक्रिया में धांधली करने के गंभीर आरोप लगाते हुए उन्हें हिंदू विरोधी करार दिया जा रहा है। यही नहीं, कर्ण कुमार सहित अन्य छात्रों द्वारा वाराणसी के भारत माता मंदिर में राजभाषा हिंदी के सम्मान के लिए मौन विरोध प्रदर्शन भी किया गया। आपको बता दें कि इस प्रदर्शन के दौरान कर्ण कुमार ने मीडिया को जानकारी दी कि BHU के कुलपति द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के में भेदभाव किया जा रहा है। क्या नाम पड़ेगा आपका? कर्ण कुमार। कर्ण कुमार जी, आज ने आपने क्या किया? क्योंकि यह आज से नहीं है, हमने विगत 3 जनवरी 2020 को काशी हिंदू विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर का साक्षात्कार दिया था, तो उसी समय काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति साक्षात्कार में उनका एक ही वक्तव्य था कि इफ़ यू विल नॉट स्पीक इन इंग्लिश देन यू हैव टू नॉट सिटिंग हियर, यू हैव टू गो आउटसाइड। ऐसा मेरे अन्य जो मेरे सहकर्मी थे जिन्होंने साक्षात्कार दिया, उनका कहना था। जब मैं साक्षात्कार कक्ष में गया तो उसके बाद कुलपति जी ने मेरा इंट्रोडक्शन अपने वरिष्ठ जो वहाँ उसके सहकर्मी थे और विशेषज्ञ थे उनसे करवाया। उसके बाद कहा कि आप अपना जो पिछले लास्ट 3 साल का काम बताइए। उन्होंने इंग्लिश में इंट्रोड्यूस किया कि यू हैव टू डिफाइन योर लास्ट 3 ईयर्स वर्क। जैसे ही मैंने हिंदी में बोलना शुरू किया, उन्होंने मुझे मना कर दिया इशारे से और बोला कि डू यू रीड न्यूज़पेपर? मैंने कहा यस। उनका कहना था कि BHU इंस्टीट्यूट ऑफ इमिनेंस हो गया है, इसीलिए हमें हिंदी भाषी अभ्यर्थियों की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैंने उनसे पूछा था कि सर, इस तरह का ना ही किसी आपने जो आवेदन दिया था उसमें विज्ञापन में उल्लेख था और ना ही साक्षात्कार पत्र में उल्लेख था। तो उनका कहना था कि नहीं, चूँकि सरकार हमें इंस्टीट्यूट ऑफ इमिनेंस का दर्जा दी है, इसलिए हमारे पास विशेषाधिकार है कि हम 30% विदेशों से शिक्षक बुला सकते हैं। तो उसके बाद में मैंने वहाँ विरोध किया था कि आप भाषा के आधार पर किसी भी अभ्यर्थी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं, और जब भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं तो यह निश्चित तौर पर हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। उसी के बाद से हमने विरोध किया। तो चूँकि कल हमारे शहर में हमारे सांसद और प्रधानमंत्री महोदय आ रहे हैं, आज से कुछ दिन पहले अखबारों में आया था गृह मंत्रालय में कोई भी कार्य हिंदी भाषा में ही होगा, अंग्रेजी भाषा में नहीं होगा। साथ ही साथ गृह मंत्रालय के अधीन एक विभाग है जिसे राजभाषा विभाग के नाम से जानते हैं। एक तरफ सरकार हिंदी भाषा को प्रोत्साहन दे रही है और यहाँ काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति कहते हैं कि हिंदी भाषी अभ्यर्थियों और विद्यार्थियों की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनका कहना था कि विद्यार्थियों और रिमेडियल क्लास सीखें अंग्रेजी का। इसीलिए हमने इनका शुरू से ही विरोध किया है। कल मैंने इस संदर्भ में एक पत्रक बंटवाया था, तो इसी पत्रक के आधार पर लोगों ने मुझसे संपर्क किया। उसमें सुयश जी ने मुझसे संपर्क किया, उनका कहना था भैया यह गलत है, मतलब उनका जो संबोधन था भैया यह गलत है और हम इसके खिलाफ हैं, क्योंकि काशी विद्यापीठ के भी बच्चे हम लोगों के इस मुहिम में साथ हैं। और इन्होंने आनंद फानंद में एक मौन असहमति की बात की और भारत माता का मंदिर इसलिए चुना गया क्योंकि हिंदी एक राजभाषा है और यह हमारी राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। हिंदी 80 करोड़ लोगों के द्वारा भारतवर्ष में बोली जाती है और हिंदी ही ऐसी भाषा है जो उत्तर से लेकर दक्षिण तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर आसाम तक हर राज्य के लोग समझते हैं। और इसीलिए हमने भारत माता मंदिर को संकेत के स्वरूप में इस स्थल का मौन असहमति के लिए चुना, क्योंकि हमने इसके लिए प्रदर्शन करने की अनुमति इसलिए नहीं मांगी। शहर में 144 लागू है और कल प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, अगर हम प्रदर्शन करते तो इसे प्रधानमंत्री जी के सारे व्यवस्था क्रम में प्रशासनिक अधिकारियों को समस्या होती। इनका कहना था कि इस तरह का विरोध हमें सिर्फ सांकेतिक विरोध करना है, उसके बाद इसका मुखर तरीके से विरोध किया जाएगा, आंदोलन किया जाएगा, मार्च किया जाएगा। कल मोदी जी आ रहे हैं तो क्या उनके जनसभा में जाकर इस चीज़ को सूचना देंगे? मोदी जी को मैंने 5 जनवरी को ही उनके पोर्टल पर शिकायत दर्ज करवाया था, उन्होंने इसके लिए शिकायत कमेटी गठित कर दी है, वो शिकायत जारी है और मेरे पास जो ईमेल आता है उसमें दिया गया है कि मेरी शिकायत का जो कंटिन्यूटी चल रही है उसमें नीरज त्रिपाठी हैं, डॉक्टर नीरज त्रिपाठी सहायक कुल सचिव हैं काशी विश्वविद्यालय के, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के, उनके पास
21 जनवरी 2020 को ही इस संदर्भ में संज्ञान आया है, उन्हें जांच करके इनकी जानकारी मांगी गई है, तो प्रधानमंत्री जी के पास मेरा संज्ञान जा चुका है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि इन सारे मुद्दों को, चूंकि सांसद हैं, अधिकारी लोग अपने आप को बचाने के लिए उन तक ये मुद्दा ना पहुंचा पाने की चेष्टा कर रहे हूँ, इसीलिए मैंने पत्रक बंटवाया और पोस्टर लगाया। आप लड़ रहे हैं, अकेले लड़ रहे हैं कि अदर यूनिवर्सिटी आपके साथ? मेरे साथ इसमें अभी वर्तमान में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में मैं लड़ाई लड़ रहा था, लेकिन अभी एक एक करके देश के हिंदी भाषी राज्यों में जो भी यूनिवर्सिटी है वहाँ से मुझे फ़ोन आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं सोशल मीडिया पे। गोरखपुर विश्वविद्यालय से मुझे मैसेज आया, भाई मतलब भाई साहब हमके साथ सही है, हिंदी हमारी राजभाषा है, इसके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। रांची विश्वविद्यालय से मेरे पास संदेश आया, पटना विश्वविद्यालय से आया, भोपाल से मेरे पास संदेश आया, उस पर इंदौर से मेरे पास संदेश आया, राजस्थान से मेरे पास संदेश आया, उत्तराखंड से मैसेज मुझे आ रहे हैं सोशल मीडिया पे। तो इस मुहिम में अब पूरे देश के युवा वर्ग बुद्धिजीवियों का मुझे सहयोग मिल रहा है कि भारतवर्ष में हिंदी भाषा का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। ये लोग कोटेशंस दे रहे हैं और हिंदी भाषा का अपमान हम युवाओं को भी नहीं सहना चाहिए, यह निश्चित तौर पे गलत है। हिंदी हमारी राजभाषा है और इसका सम्मान हर हाल में हर व्यक्ति को करना चाहिए। मैं किसी भाषा का विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन किसी भाषा के नाम पे आप पक्षपात कर रहे हैं, यह गलत है, जिसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और यही नहीं, उन्होंने इसकी शिकायत गृह मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय एवं राष्ट्रपति से भी की है तथा इसकी एक प्रति बीएचयू के केंद्रीय कार्यालय में भी भेज दी गई है, जिससे इस मामले की निष्पक्ष जांच की जा सके। रिपोर्टर्स पेज की खास रिपोर्ट।